ठीक है, आ जाएगा, आ जाएगा। देखो जी, रेडी है जी कैमरामैन भैया? जी मैडम, बहुत शुक्रिया जी। हर हाजिरी पर आप लोग भी आते हैं, हम लोग सियासी कारकुन भी आते हैं। अभी आपने देखा होगा कि मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा को किस तरीके से बख्तर बंद गाड़ी में लेके आए और बख्तर बंद गाड़ी में वापस लेके गए। इस वक्त पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में एक सियासी कैदी हैं, एक खातून सियासी कैदी हैं और उनका नाम है फरियाल टालपुर साहिबा। और जिस तरीके से उनको यहाँ पेश करते हैं और लेके जाते हैं, वो तो हम दहशतगर्दों के लिए ही देखते हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है और एक बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जो है उसके ऊपर। तो वैसे ही आपने देखा है कि दोहरे मयार हैं, एक तरफ पीपल्स पार्टी के लीडरान के साथ जो सलूक किया गया और दूसरी तरफ, एक तरफ लाडले और दूसरी तरफ सौतेले। और बिल्कुल हमें मेडिकल की बुनियाद पर फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को बेल मिला है। आज मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा की भी बेल एप्लीकेशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। होना तो ये चाहिए था कि लीगल मेरिट पर बेल होनी चाहिए थी, क्योंकि लीगली कोई केस बनता नहीं है मुलजिम के लिए कि आप उसको अरेस्ट करें। इल्ज़ाम की बुनियाद पर तो हर एक कैबिनेट मेंबर भी अरेस्ट हो सकता है, ख़ुद वज़ीर आज़म भी अरेस्ट हो सकते हैं। इसलिए इस पूरी अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के ऊपर सवालिया निशान है। और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जहां हम खड़े हैं, हकीकत में उनको बेल लेना चाहिए था कि 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, रिमांड पीरियड आपका पूरा हो चुका है, रेफरेंसेस अभी तक बने नहीं हैं, तो किस बुनियाद पर आपने तहवील में रखा हुआ है और किस बुनियाद पर आप बख्तरबंद गाड़ियों में एक खातून को, और वो खातून जिनका एक किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत में, बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में, वो एक डिस्ट्रिक्ट नाजम रह चुकी हैं, दो दफ़ा MNA रह चुकी हैं, इस वक्त MPA हैं, हर दफ़ा इलेक्ट होती हैं, बहुत बड़ी अक्सरियत से इलेक्ट करती हैं। तो इसलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि मेरिट की बुनियाद पे आज उनको बेल मिलेगा। हम तवक्कु करते हैं कि इंसाफ होगा। इस वक्त जिस बेसिस पर एप्लीकेशन डाली गई है वो ये है कि मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा की एक बेटी हैं, वो स्पेशल पर्सन है, स्पेशल चाइल्ड है, और ज़रूरत है कि वो अपनी मदर के करीब हो इस बुनियाद पर। लेकिन वैसे भी लीगल मेरिट पर भी, क्योंकि 90 दिन हो चुके हैं, हर हाजिरी पर वो आती हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है उनको अरेस्ट। और वो अरेस्ट जिस तरीके से किया गया, आपने देखा कि रात के अंधेरे में, ईद की रात को उनको एम्बुलेंस में डाला, दैट मीन्स रिकग्नाइज किया गया कि वो बीमार है, लेकिन एम्बुलेंस में अस्पताल नहीं, जेल मुंतकिल किया गया। तो ये बहुत तकलीफ दे बातें हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो ये तकलीफ़ें सहती आई है। लेकिन हमें, हम अपने जो जस्टिस का निज़ाम है उसमें ही तवक्को करते हैं, उसमें ही हम लीगल बैटल्स फाइट करते हैं। जरदारी साहब ने 12 साल लीगल बैटल फाइट किया और इस वक्त भी हम कानून का दामन, आईन का दामन नहीं छोड़ेंगे, और हम यही तवक्को रखेंगे कि हमारा मौक़िफ़ जो है आखिरकार कोर्ट्स जो हैं, अदालतें, वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हों, वो सुपीरियर कोर्ट्स हों, अपील कोर्ट्स हों, वो हमारे जो दलील है उन दलीलों पर, उस लीगल केसेस के मेरिट पर हमारी बात, हमारी सुनवाई होगी और हमें इंसाफ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।